ऑनलाइन कोई भी प्रोडक्ट को चूज करके इसे ऑर्डर करके मंगाना बहुत ही रिस्की होता है, और ये रिस्क उस वक्त ज्यादा बढ़ जाता है जब इसका हमें कोई भी रिव्यू ना मिले। यहाँ मैंने भी एक रिस्क ले लिया है, चलिए कोई नहीं, अब जो भी होगा देखा जाएगा, चाहे अच्छी हो चाहे खराब। अब ये तो बाय हो चुकी है। क्या वॉशिंग मशीन ठीक से चल रही है? इसकी स्पीड कैसी है? क्या वाटर ड्रेन हो रहा है? इसका बजर कहाँ है? फिल्टर भी ठीक है कि नहीं पता नहीं, ये रिटर्न होगी या नहीं? इसकी तो वारंटी का भी पता नहीं, अगर ये खराब निकली तो क्या ये वापस हो जाएगी? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। एना के टेस्टी टाउन में आप सबका वेलकम है। दोस्तों, आज मैं अनबॉक्स करने वाली हूँ वॉशिंग मशीन जो मैंने फ्लिपकार्ट से परचेस की है। क्या आप भी मेरी तरह ऑनलाइन शॉपिंग करने के बहुत ज़्यादा शौकीन है? आर यू ऑल्सो एडिक्टेड टू ऑनलाइन शॉपिंग लाइक मी? तो कहीं मत जाइए, वीडियो को एंड तक देखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए फटाफट से इस बॉक्स को ओपन करते हैं। तो पैकेजिंग तो आप लोगों ने देख ली कि फ्लिपकार्ट ने किस तरह से इस कार्टन के डब्बे को अच्छी तरह से पैक किया है ताकि वॉशिंग मशीन को कोई भी चीज़ डैमेज ना कर सके, और ये अच्छी तरह से लॉक भी किया हुआ था। लॉक मुझसे नहीं खुला इसलिए मैंने इसे नाइफ की मदद से ओपन कर लिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इजिली ये बहुत ही अच्छी तरीके से खुल गया है, और ऊपरी टॉप पर इसके थर्माकोल रखा है ताकि वॉशिंग मशीन ज़रा भी डैमेज ना हो ऊपर से। तो चलिए देर किस बात की, फटाफट से वॉशिंग मशीन को अनबॉक्स करते हैं और बॉक्स को अलग करके निकालते हैं। ये देखिए मैंने और अदन ने इसे अनबॉक्स कर लिया है। यहाँ पर ऊपर एक पतली सी पॉलिथीन है, इसे भी हम निकाल देते हैं। तो ऊपर जो है इसके जो कैप है, वॉशिंग मशीन का ढक्कन है, इसको अच्छी तरह से रैप किया है। ये देखिए आप देख सकते हैं इसकी क्वालिटी, ये पूरा फाइबर है, प्लास्टिक फाइबर है, और जिसका कलर कॉम्बिनेशन है ऑफ वाइट और डार्क मरून। यहाँ पर कोड बार दिया गया है जिसके ऊपर इसका मॉडल नंबर और फ्रिक्वेंसी और कैपेसिटी वगैरह लिखी होती है। वैसे ही बार कोड इस पर दिया है तो आप स्कैन करके ईजिली सारी जानकारी हासिल कर सकते हैं जिसमें सारे प्रोडक्ट की डिटेल होती है। तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी। आप यहाँ पर इसका वायर देख लीजिए, 1.5 मीटर का वायर इसमें लगा हुआ है जो कि ईजिली आप कहीं पर भी रखकर यूज कर सकते हैं। ड्रेन आउट का पाइप लगाने के लिए जगह बनी हुई है। चलिए फ्रंट में देख लेते हैं। यहाँ वॉशिंग मशीन का जो कैप है ऊपर का, इसे अच्छी तरह से रैप किया गया है प्लास्टिक से। तो चलिए इसे फटाफट से ओपन करते हैं और देखते हैं अंदर कितनी कैपेसिटी है और हम इसमें कितने कपड़े डाल सकते हैं। और साथ ये भी जान लेते हैं कि ये सैमसंग की सेमी ऑटोमेटिक टॉप लोडेड वॉशिंग मशीन है जिसका मॉडल नंबर है WT95A4200RR। ये दिखने में बहुत ही खूबसूरत है। ये देखिए ये जो ऊपर रिंग सा बना हुआ है सिल्वर में, ये इसके लुक को चार चांद लगा देता है। चलिए इसकी बटन, यहाँ पर हमने बटन को बहुत ईजी तरीके से ये देखिए चलाया है और काफी टाइट भी है जो कि खराब नहीं होगी। यहाँ पर हम ड्रेन का बटन देखते हैं, यहाँ पर है वॉश सिलेक्टर और ये वॉश टाइमर। तो आप यहाँ पर टाइम भी एडजस्ट कर सकते हैं, 45 मिनट का आपको टाइम दिया जाता है और इसका बजर जो है वो स्टार्ट होता है। चलिए अब हम इसकी कैपेसिटी देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको डीप बता देती हूँ। तो यहाँ पर आप लोगों को देखने से ही पता चल रहा होगा कि ये कितनी डीप है, आप कितने सारे कपड़े एक साथ वॉश कर सकते हो, आपको जरा भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर मैं इसकी डीप की बात करूँ मेजरमेंट की, तो ये 550 या 555 तक ये डीप होगा, यानी बहुत ज्यादा ये डीप है। और अब मैं आप लोगों को इसकी चौड़ाई बता देती हूँ। तो चौड़ाई है 915 mm और हाइट है इसकी 1015 mm। चलिए यहाँ पर हम स्पिनर देख लेते हैं, यानी जिसे हम आम जबान में फिल्टर भी कहते हैं। तो फिल्टर भी अच्छी तरह से रैप किया था। मैं इसे ये देखिए इस तरह से खोल लेती हूँ और चलिए इसे हम ओपन करके देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर भी थर्माकोल की एक लेयर लगाई गई है, बहुत ही अच्छे तरीके से इसे फिट किया गया है ताकि फिल्टर यानी कि स्पिनर जो है वो ज़रा भी डैमेज ना हो। तो ये बात मुझे फ्लिपकार्ट की बहुत ही अच्छी लगी कि इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से रैप करके वॉशिंग मशीन को भेजा है ताकि ज़रा भी ये डैमेज ना हो और सही तरीके से कस्टमर के पास पहुँच जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये पाइप है, ये पाइप हमें मैक्सिमम इसकी लेंथ मिल जाती है 1.5 मीटर की, और कोई कोई वॉशिंग मशीन में तो हमें 1 मीटर की ही लेंथ मिलती है। अगर आपको और ज़्यादा बड़ा पाइप चाहिए तो आप खुद से ही फिर इसमें लगा सकते हैं 2 मीटर या 2.5 मीटर का, जो कि इजीली मिल जाता है मार्केट में, वो भी आप इसमें लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आप स्पिनर देख सकते हैं कि ये कितने अच्छे से बना हुआ है और ये डबल टब है। चलिए अब हम स्पिनर की स्पीड की बात कर लेते हैं। तो मैक्सिमम स्पिन स्पीड है इसकी 1200 यानी कि 1200 RPM इसकी स्पीड है। तो यहाँ पर आप लोगों को पता लग गया होगा कि इसकी स्पीड कितनी ज़्यादा है, आपको ज़रा भी दिक्कत नहीं आने वाली है। और इसकी जो कवर्ड वारंटी है इसको आप ले लीजिए 5 ईयर्स। वैसे तो कंपनी की तरफ से आपको 3 ईयर्स की वारंटी मिल जाती है, लेकिन फ्लिपकार्ट से आप परचेस कर रहे हो तो आपको 5 ईयर्स की वारंटी मिलने वाली है। अब चलिए साथ ही हम वॉशिंग मशीन का टेस्ट भी कर लेते हैं कि ये कपड़ा धोने में कैसी है और कितना कपड़ा इसमें आएगा। यहाँ पर हमने 12 से 13 जोड़ा कपड़ा इसमें डाल दिया है, लेकिन फिर भी स्पेस आप काफ़ी ज़्यादा देख सकते हैं। टाइमर सेलेक्ट कर लेते हैं 45 मिनट का, क्योंकि 15 मिनट के बाद इसका जो बज़र है वो बजने लग जाता है, और कभी अगर लाइट ना होना तो ये वहीं पर बंद हो जाता है बज़र, और जब लाइट आती है तो वहीं से स्टार्ट हो जाता है। तो ये बात इसमें बहुत ही अच्छी है। वॉश टाइमर सेलेक्ट कर लेने के बाद अब हम वॉश टाइमर को सेलेक्ट करते हैं। तो इसमें आपको मिल जाता है, ये देखिए
पहला आप लोगों को मिल जाता है जनरल, दूसरा मिलता है नॉर्मल, उसके बाद हैवी मिलता है। तो मैं हैवी पर ही छोड़ दूंगी क्योंकि कपड़ा बहुत ज़्यादा है और इसे पूरा एक राउंड लेने में 45 मिनट जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ड्रेन करने का, यहाँ पर आप लोगों को स्पिनर मिल जाएगा स्पिन करने के लिए। तो अब इसका जो बज़र है वो पूरा राउंड लेने के बाद बजेगा। इस तरीके से मैं आप लोगों को घुमा कर बता देती हूँ ताकि आप बज़र भी सुन लो। तो सुना आपने बज़र का साउंड, यहाँ पर ये 15 मिनट कंटिन्यू बजता है, उसके बाद ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है। आप लोगों को ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है। अभी फिलहाल मैं बंद करके आप लोगों को बता रही हूँ जिससे आप लोगों को बार बार उठकर बज़र को बंद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एक राउंड पूरा लेने के बाद ही ये बज़र ऑन होता है और ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। दो राउंड के बाद मैंने नॉब को ड्रेन पे करके पानी गिरा दिया। आप पाइप की लेंथ देख सकते हैं कि कितनी लंबी है और पानी अच्छे तरीके से गिर रहा है। और हाँ, अक्सर हम कपड़ा धोने के लिए ठंडी में गर्म पानी डालते हैं, तो आपको इसमें हॉट और कोल्ड वाटर इनलेट भी मिल जाता है। सैमसंग की 9.5 केजी सेमी ऑटोमेटिक टॉप लोडेड वॉशिंग मशीन बहुत अच्छी है। आप लोगों को कोई भी कंप्लेंट इसमें नहीं मिलेगी, आप इसे कहीं से भी परचेज कर सकते हैं। मार्केट वैल्यू इसकी 16,990 है, जबकि मैंने फ्लिपकार्ट से इसे 15,490 में खरीदा है ना, एकदम चीप प्राइस। तो आप भी इसे परचेज कीजिए, इसमें कोई भी कंप्लेन नहीं है, बहुत ही अच्छी वॉशिंग मशीन है, एकदम रीजनेबल प्राइस है। अगर रिव्यू पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। अल्लाह हाफिज।